गीता गोली में सबसे पहले मोमोज हमने स्टार्ट करे थे आज से 15 साल पहले, और हमने ही तंदूरी मोमोज, की मोमोज, कुरकुरे हमने ही स्टार्ट करवाए हैं यहाँ पर। 15 साल पहले स्टार्ट किया था? हाँ जी, 15 साल से हमारी शॉप है चाइना टाउन। स्पेशलिटी क्या, कौन से मोमोज सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तंदूरी मोमोज हमारी स्पेशलिटी है। जब आपने 15 साल पहले मोमोज स्टार्ट किए तो तब से लेके अब तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत हमने दिल से बनाए, दिल से खिलाए। ये हमारे स्टीम मोमोज हैं, पनीर वाले तंदूरी मोमोज, ये ऐसे बनाए जाते हैं। हम आपको तंदूरी पनीर टेस्ट कराएंगे। ये हमारे पनीर तंदूरी मोमोज लग रहे हैं, ये भी 10 पीसेस होते हैं एक प्लेट में। ये देखो कितने सारे मोमोज आए, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। ऑलरेडी जो स्टिक्स है वो यहाँ पे लगी हुई है। हाँ जी, ये देखिए पूरे तंदूरी 10 पीसेस तंदूरी मोमोज, तो यहाँ पे रख दिए सिगड़ी में अच्छी तरीके से तैयार। बिल्कुल, कलर देखिए आप, कितना टाइम रखते हो आप सिगड़ी में इसको? बिल्कुल अच्छी तरह पकने तक अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट। हाँ जी, 5 मिनट। अगर ज्यादा देर लगाएंगे तो भीड़ बहुत लग जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा ट्रैफिक। जिसका स्वाद होगा ना वो इतना जबरदस्त और एनहांस होके आएगा ना सिकड़ी का कि मजा आ जाएगा। ये हमारे तंदूरी मोमोज ये बाउल में डल गए। ये इसमें हमारा स्पेशल मसाला है अनियन, ये मिंट की चटनी, यस स्पेशल मेयोनीज है हमारी, ये होममेड। आप खुद बनाते हैं? होममेड मेयोनीज। तो अब देखो इसको मिक्स किया जा रहा है इन सब चीजों को। पूरी चिकन में भी ले सकते हैं, सोया में भी ले सकते हैं, और पनीर में भी ले सकते हैं। हाँ जी, ये तीनों वैरायटी में है। तो वैसे इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी जो लोग यहाँ पे आएंगे तो? 120 रुपीज पर प्लेट। ये और ये प्लेट में सर्व कर रहे हैं हम इसको, ये रेडी है बिल्कुल। तो इसके साथ में सॉस भी रहती है या फिर ऐसे ही? नहीं, आप ऐसे ही खा सकते हैं, और चिली सॉस हम देते हैं साथ में। ये हमारी चिली सॉस है जो मोमोज की तीखी वाली लाल वाली चटनी होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी और कुछ डिफरेंट लग रही है मेरे को दिखने और में। ये मेयोनीज, और ये देखिए इनकी होममेड मेयोनीज है। गीता कॉलोनी की सबसे ओल्डेस्ट शॉप चाइना टाउन में मैंने इनके तंदूरी पनीर मोमोज मैंने यहाँ पे लगवा लिए हैं। इतने ज्यादा जब मैं शूट कर रही थी ना, इतने ज्यादा लोग दीवाने हैं इनके तंदूरी मोमोज के, इतने ज्यादा लोगों की भीड़, पहले हमें दो हमें दो हमें दो, तो फाइनली मैंने यहाँ पे लगवा ली है। जब मैंने कहा कि इतनी ज्यादा दीवानगी है तो मैं भी जरा टेस्ट करूँ और आपको शेयर करूँ कि मुझे जो इनके तंदूरी मोमोज हैं वो कैसे लगे। तो ये है इनके तंदूरी पनीर मोमोज, आप सोया में भी ले सकते हो, चिकन में भी ले सकते हो, और इसे मैं टेस्ट करूंगी जो इनकी मोमोज वाली चटनी है उसके साथ। मेरे को मोमोज वाली चटनी काफी ज्यादा अलग लग रही है, जहाँ तक यूजुअली मिलती है उससे काफी डिफरेंट लग रही है दिखने में। तो भी मैंने यहाँ पे तंदूरी पनीर मोमोज लगवाए हैं। अगर आप सोया में लेना चाहते हो, चिकन में लेना चाहते हो, तो आप इसमें भी ले सकते हो। और ये देखो कि कितनी लाजवाब फील। मैंने तंदूरी मोमोज हर जगह खाए हैं, लेकिन जो सबसे लाइट वेट और मुंह में जाते ही इतना हैवीनेस ना फील होना, और इतना मतलब मुंह में जाते ही घुल जाने वाले जो मोमोज होते हैं ना, वो यही है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। इनकी जो मोमोज की कवरिंग है वो काफ़ी थिन है, मुँह में जाते ही पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब आपने मोमोज खाए, इतने डिलीशियस स्वाद लाजवाब आ रहा है। और जो इनकी मोमोज की चटनी है वो परफेक्ट तीखी है, ना ज़्यादा तीखी है ना कम तीखी है, और स्वाद है ना वो कुछ डिफरेंट है मोमोज की चटनी में, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा गजब लगा है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारी दुकान 14 ब्लॉक गुरुद्वारे के सामने चाइना टाउन गीता कॉलोनी, विजिट करिए आप। शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10:30 तक 7 डेज ओपन। तो अगर आप यहाँ पे आते हो और आप इनके मोमोज फ्राई करते हो, चाहे स्टीम करते हो, तंदूरी करते हो, या कोई सी भी आप मोमोज फ्राई करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे इनके मोमोज। और क्योंकि इतनी पुरानी शॉप है तो ऑब्वियसली बात है कि क्वालिटी और मेरे का कोई भी यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इनके मोमोज में। तो अगर आप फूड में दिल्ली में पहली बार आए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है ऐसे जबरदस्त तंदूरी मोमोज आपको खिलाने के लिए। जल्दी से मैं यहाँ पे इनके जो अभी रिमेनिंग है ना उसको मैं सबको फिनिश करूँगी, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा लाजवाब लगे हैं। और मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।